सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। बेसिकली इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और काफी स्टूडेंट्स भी जानना चाहते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूं, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तब होता है जब किसी भी मेटल सर्फेस पे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि लाइट अगर गिरती है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन निकल आता है मेटल के सरफेस से, तो उसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और अदर फ्री कैरियर्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लाइक लाइट हिट्स अ मटेरियल, तो उसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी सिंपल लाइट का गिरना और उससे इलेक्ट्रॉन निकल आना उसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। पर इसे नॉर्मली सिंपल तरीके से नहीं किया जाता, इसके लिए कई कंडीशंस होती हैं, कई चीज़ें हैं जो समझनी पड़ती हैं। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो स्टडी होती है वो फिजिक्स में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स इसके बारे में स्टडी करता है, और ये केमिस्ट्री में भी इसके बारे में स्टडी होती है। इसमें क्वांटम केमिस्ट्री जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी करती है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो ब्रांच है केमिस्ट्री की उसमें भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी होती है। दरअसल ये लाइट की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यानी जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी उतनी ही रफ्तार से निकलेगा, उतनी ही स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यानी उसकी स्पीड जो होगी निकलने की वो कम होगी, यानी उसकी एनर्जी कम होगी। इसके लिए जो होती है लाइट के फोटोन्स, आपको पता है लाइट बनी किस चीज़ से, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना फोटोन्स कहते हैं। फोटोन एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यानी जितनी ज़्यादा फोटोन की एनर्जी होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी यानी उतनी ही संभावना है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल की सरफेस से निकल पाएगा, यानी इजेक्टेड होगा मटेरियल से। अगर फोटोन की एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट नहीं हो पाएगा मेटल की सरफेस से। इसके बारे में कई रिसर्च हुए थे। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जो विजिबल लाइट है, अगर जो भी एल्कली मेटल होती है जैसे आप जानते ही हैं, चाहे सोडियम की बात करें चाहे लिथियम की बात करें, उनमें अगर सिंपल लाइट यानी जो विजिबल लाइट होती है जिससे हम एक दूसरे को देख पाते हैं, अगर वो अगर उसे फेंक दिया जाए एल्कली मेटल पे, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इजेक्टेड हो जाता है। पर अगर कुछ और मेटल्स की बात करें जैसे कि कॉपर की बात करें, गोल्ड की बात करें, प्लैटिनियम की बात करें, तो उनके लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का होना जरूरी है, बिकॉज़ क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है विजिबल लाइट से, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा उनसे। और नॉन मेटल से अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो आपको एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट चाहिए। अगर आप सिंपल अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। इसके बारे में 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिसर्च पेपर पब्लिश किया था, और 1921 को अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ भी मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताने के लिए। उन्होंने मैथमेटिकली इसके बारे में बताया और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है उन्होंने साबित किया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, और उसकी मैथ की उन्होंने फॉर्मूलेज भी दिए। और उससे पहले भी काफ़ी रिसर्च इस पे हो रहे थे, पर इतना सटीक रिसर्च नहीं हुआ था जितना अल्बर्ट आइंस्टाइन ने करके बताया। अगर हम इसके यूजेस और इफेक्ट की बात करें, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ यूज़ होता है और कहाँ देखने को मिलता है, तो ये फोटो मल्टीप्लायर्स में देखने को मिलता है, इमेज सेंसर्स में देखने को मिलता है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी इसी पे बेस्ड है, फोटो इलेक्ट्रॉन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करती है, और नाइट विजन डिवाइसेस इसका बेस्ट एग्जांपल है, वो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करते हैं। मैं हूं आदित्य वेश शर्मा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके बारे में एडवांस इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही अनलिमिटेड वीडियोज़ आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।